स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास विच ऑर्गेनाइज बाय कृष्णा मेमोरियल हाई स्कूल क्लास 3 सब्जेक्ट हिंदी 2 चैप्टर 14 शब्द भंडार। आज मैं आपको शब्द भंडार में देखिए पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द दिए गए हैं। ठीक है, पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पर्यायवाची शब्द वो होते हैं जो एक अर्थ के समान अर्थ बताते हैं, उन्हें ही पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जल, जल का क्या होगा? पानी, नीर, वाड़ी, घोड़ा, तुरंग है, अश्व, बादल, मेघ, घन, जलधर। ओके, नेक्स्ट पेज। घर, सदन, गृह, भवन, पक्षी, पंछी, खग, बिहग, हवा, वायु, पवन, समीर, पुत्र, सूत, तनुज, बेटा, रात का, रात्रि, निशा, रजनी, आग, अनल, पावक, अग्नि, सागर, जलधि, सिंधु, रत्नाकर, मछली, मत्स्य, मीन, सफड़ी, ईश्वर, प्रभु, भगवान, परमात्मा, सर्प, सांप, भुजंग, अहि, शिव, शंभु, महादेव, शंकर, सोना, स्वर्ण, कंचन, कनक, पृथ्वी, भू, भूमि, धरती। ठीक है, आपको पर्यायवाची शब्द हम जैसे पढ़ाए उस तरह से उसको आप याद करिएगा। अच्छा, नीचे देखिए विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होते हैं? विलोम शब्द जो उल्टा अर्थ बताते हैं उसे ही विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, चलिए हल्का का देखिए भारी, थोड़ा का ज़्यादा, सुबह का शाम, ऊपर का नीचे, अंदर का बाहर, देश का परदेश, सूखा का गीला, अपना का पराया, अच्छा, स्वतंत्र का प्रतंत्र, सौभाग्य का दुर्भाग्य, उचित का अनुचित, आदि का अंत, आलस्य का फुर्ती, एक का अनेक, पाप का पुण्य, नया का पुराना, सुख का दुख, प्रकाश का अंधकार, छोटा का बड़ा, प्रश्न का उत्तर, हंसना का रोना, सच का झूठ, मित्र का शत्रु, सफल का असफल, न्याय का अन्याय, रक्षक का भक्षक, शांति का अशांति, पक्ष का विपक्ष, मोटा का पतला, और भलाई का बुराई। ठीक है, आपका ये चैप्टर 14 शब्द भंडार यहाँ पे खत्म हुआ। आप इसको चैप्टर 14 को अच्छे तरह से घर में रिवीजन कीजिएगा। ठीक है।